हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम ब्रिजेश, योर सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथ. आई स्टडी इन मैथ क्लास फोर्थ. लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था होमवर्क भी, और इसमें आपको मैंने क्या पढ़ाया था, देखिए. ये था एक्सरसाइज 4B. एक्सरसाइज 4B में मैंने आपको पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया था. अब ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सेम वैसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको ऐड बताए हैं. अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD और 4 का भी ABCD आपको नोटबुक में करना है. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोटबुक में करिएगा. अब पहला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सेम वैसे ही ऐड है. 3 है और 8, ये ऐड करना है. 3 8 11 कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 10 कैरी 1, 4 1 5 5 5 10, 10 को 0 कैरी, फिर 1, 2 1 3 और 6 9, 8 के नीचे कोई नंबर नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा. इसी तरह से सेम वही सारे क्वेश्चंस है. अब ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 ऐड ये भी है. क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 4B पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 5 ऐड. ए वाला क्वेश्चन है, ये ए वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 25,318 एंड 6,743. क्या करना है आपको, सबसे पहले कल भी बताया था मैंने, इसमें क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से ही पहले प्लेस इसके लिखने हैं. कौन कौन से प्लेस कल बताए थे, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, एंड थाउजेंड्स के बाद कौन सा प्लेस आ जाता है, 10,000. 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000. आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि जब भी कभी आप नंबर को अरेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड से करेंगे, कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये बताया था. अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब सबसे पहले हमारा 8 है, तो 1 की प्लेस साइड से ही अरेंज करना है. 1, 8, फिर 1, 3, फिर 5, इसके बाद आ जाता है 2. नेक्स्ट नंबर है हमारा 6,743, इसी साइड से लिखेंगे 6, 4, 7 एंड 6, फिर प्लस का साइन लगा देंगे. इसके बाद आपको प्लस करना है, सबसे ऊपर क्या है, 8 और 3 क्या होगा, आप काउंट करिएगा फिंगर्स में, या इसके लिए आप लाइन खींच लीजिएगा. 3 8 11 कैरी 1, 1 1 2 और 4 6, 3 7 10 0 कैरी 1, 5 1 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3, ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1785 कॉमा, नेक्स्ट नंबर है 2673 एंड 5,45,385, ये आपको ऐड करना है. नेक्स्ट सी क्वेश्चंस इसी तरह से, 2,33,502 कॉमा, नेक्स्ट नंबर्स है 4,64,397, नेक्स्ट 12,480 एंड 1,458, ये नंबर्स है, इसको आप उसमें वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद करेंगे. नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका डी. डी में नंबर्स नेम आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको ऐड करना है. नंबर्स नेम सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3,517. सबसे पहले आप उसी तरह से प्लेस इसके बना लीजिए, 1, 10, 100, 1000, इसके बाद 10,000 नहीं है इसीलिए केवल 1000 तक ही प्लेस बनाइए. इसमें क्या लिखा हुआ है, 3,517, तो 1000 कितना है, 3,000, 100 क्या है हमारे पास, 500 एंड 17, ये आपका हो गया 17. इसके बाद आता है 64,501, 64,000, इसमें देखिए 10,000 प्लेस है, इसलिए आप क्या करेंगे, सब 10,000 प्लेस भी लिख लीजिए, 64,501. अब इसमें देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 16,749, ये आपका वर्टिकल कॉलम्स में हो गया. अब इसको ऐड करना है, और
नंबर हमेशा सीक्वेंस में ही लिखिएगा, एक के नीचे एक होना चाहिए तभी ऐड सही होगा। अभी आपका हो गया, अब इसी तरह से आपको ऐड होमवर्क में करना है, ठीक है। ये डी क्वेश्चन है। अब इसके बाद आ जाता है आपका ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6,08,000, ये तो पहला है। इसके बाद इसी में कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद 1,54,056, कॉमा 89,164। इसको सबसे पहले इसी तरह से वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।